हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्तार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल मारवाड़ी। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपके डिस्प्ले पर पैकेज, बियर्ड, हेयर वगैरह जितने भी थे सारे खुल चुके हैं। अब आप भी इसी तरह खोल सकते हैं इस वीडियो को देखकर। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक बटन पर क्लिक करके। और आप हमारे न्यू वीडियो का मज़ा लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। अब मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा, 5 स्टेप को फॉलो कीजिए और ये सारे आपके डाउनलोड द एपीके लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप एक एपीके आपको डाउनलोड करना है। हैक करने का एपीके मात्र 700 KB का है, तो आपको ये सिंपली आपको ये डाउनलोड कर देना है, 700 KB का है। और इसके बाद में डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल भी करना है, साथ ही में मैं आपको करके दिखा देता हूँ, डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा। तो ये इसको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है और आप इसको इंस्टॉल होने दीजिए। इंस्टॉल होते ही मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। इसके बाद में सेकेंड स्टेप भी बता रहा हूँ मैं आपको साथ ही साथ। सेकेंड स्टेप है चेंज द WCC2 फोल्डर नेम। आप जाइए अपने फाइल मैनेजर में, जाना है एंड्रॉयड में जाना है, फिर सबसे पहले फाइल मैनेजर में एंड्रॉयड फोल्डर खोलना है, आपके स्टोरेज में जाके एंड्रॉयड फोल्डर, उसमें फिर जाके OBB फोल्डर और com.nextwave.wcc2 है, उसको आपको दबा के रखना है और रीनेम करना है। इसकी जगह आप जो भी चाहे कुछ भी नेम या फिर एक दो अक्षर साथ में जोड़ दीजिए, जैसे कि M जोड़ा है तो ओके। बस ये हो गया सेकंड स्टेप पूरा। तो अब आपको तीसरा स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा स्टेप है ओपन द APK एंड चेंज WCC अनहैकेबल टू हैकेबल। जो मैंने आपको APK डाउनलोड करने को कहा था वो खोलिए और आप WCC2 वाला खोल दीजिए, कहाँ पर है ये रहा, तब इसको टच करना है। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है, जो भी आपके मांग रहे हैं। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ये लोड होगा, इसके बाद में आप इसको रिमूव कर दीजिए। अब आप यह अनइंस्टॉल हो जाएगा, घबराइएगा मत, वो रियल में अनइंस्टॉल नहीं होगा। इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए और वापस इंस्टॉल कर दीजिए। ऐसा कैसा रहेगा, आपके कोई भी डाटा क्लियर नहीं होगा। अब आप इसको डन कर दीजिए। डन करने के बाद अब आता है चौथा स्टेप क्या है हम देखते हैं। चौथा स्टेप चेंज द WCC फोल्डर नेम टू com.nextwave.wcc2। जो भी हमने चेंज किया था वहाँ पर सबसे पहले फोल्डर, तो अब वापस पहले जैसा करना है, जो भी आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स डाले थे वो हटा दीजिए, वहीं पर जाकर एंड्रॉयड OBB और com.wo फोल्डर का नेम वापस पहले जैसा करना है आपको। तो आपके दो फोल्डर होंगे तो एक हटा देना जिसमें कुछ नहीं होगा, एक रियल होगा जिस जो आपने चेंज किया था, वो आपको पहले जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है वो नाम। स्टेप 5 ओपन द APK एंड फॉलो द ट्यूटोरियल इन द डिस्प्ले। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले ऐसे जाना है आपको और प्लेयर प्रेफरेंस में जाना है और यहाँ पर जाके नीचे जाएंगे तो कस्टमाइजेशन नाम का एक होगा, वहाँ पर जाना है। नीचे देखते जाइए ये होगा कस्टमाइजेशन नाम का है, ये रहा, तो इस पर क्लिक करना है आपको, सिर्फ एक बार क्लिक करना है और ये जो दिख रहा है यहाँ पर जितने भी जीरो है ना वहाँ पर काट कर एक करना है, बस इतना ही करना है आपको और ओके बटन पर क्लिक करना है। बैक आ जाइए, 5 स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि क्या हमारा ये ट्रिक काम करती है या नहीं। सो गाइज, अब आपका स्टेप 5 पूरा हो चुका है, आप बैक आ सकते हैं। अब मैं आपको गेम प्ले बताऊंगा कि गेम प्ले के साथ ये सारे कस्टमाइजेशन सिर्फ वैसे ही यूज नहीं होंगे, मैं आपको गेम खेलते हुए भी बताऊंगा कि वहाँ पर भी यही कस्टमाइजेशन दिखेंगे, यही सारे दिखेंगे, यही पगड़ियाँ दिखेंगी, यही हेयर दिखेंगे, यही बियर्ड दिखेंगे। तो अब देखते हैं हम, ये देखिए ये तो मैंने पहले से कर दिया था, अब कस्टमाइज में जाके हम देखते हैं। देखिए सारे कस्टमाइजेशंस ऑन है, जैसे कि मैं आपको हेयर के बताता हूँ तो सारे हेयर्स है ऑन। और आप कोई भी, जैसे कि विराट कोहली के मैं कैप्टन है तो इसलिए मैं इसका कस्टमाइजेशन करता हूँ। और ये जैसे कि बियर्ड भी कोई अच्छी वाली ले लेते हैं, देखते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया बियर्ड्स है तो और भी देखते हैं बियर्ड। हाँ ये अच्छी दिख रही है जी, हाँ ये ले लेते हैं और हाँ ये अच्छे। अब ये सारे कस्टमाइजेशन करने के बाद मैं आपको अंदर जाके भी बता देता हूँ कि ये काम भी कर रहा है या नहीं। सो गाइज गेम ऑन करते हैं, हम देखते हैं गेम ये कस्टमाइजेशन काम करते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो चुकी होगी। सो गाइज खड़ी खम्मा।